भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, इसको बर्बाद करने और एलोपैथी को प्रमोट करने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1940 में। उसको कहते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। आजादी के बाद नेहरू जी ने उससे भी खतरनाक कानून बना दिया 1954 में, जिसको कहते हैं ड्रग एंड मैजिक एक्ट 1954। अब ये कानून क्या कहता है कि जिन बीमारियों का इलाज योग प्राणायाम के जरिए हो सकता है, नेचुरोपैथी के जरिए हो सकता है, आयुर्वेद के जरिए हो सकता है, उसको आयुर्वेद के डॉक्टर, नेचुरोपैथी के डॉक्टर क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो क्लेम करेंगे तो उनको लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आप जरा सोचिए, एलोपैथ अभी 200 साल पहले आया है। इसके पहले पूरे भारत में, उस अखंड भारत में जो इलाज होता था, नाड़ी शोधन के जरिए होता था, योग प्राणायाम के जरिए होता था, एक्यूप्रेशर के जरिए होता था, आयुर्वेद के जरिए होता था, जड़ी बूटी के जरिए होता था। तो जड़ी बूटी को और भारतीय चिकित्सा को ख़त्म करने के लिए पहले अंग्रेज़ों ने 1940 में कानून बनाया और नेहरू जी ने 1954 में उसी कानून को और मजबूत कर दिया। अब इस आज की डेट में सिचुएशन ये है कि जिन बीमारियों का इलाज चरक जी ने लिखा है चरक संहिता में, या महर्षि सुश्रुत ने लिखा है अपनी सुश्रुत संहिता में, या आचार्य वाग्भट ने लिखा है अपनी किताब में, या जिन बीमारियों का इलाज महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है, या जिन बीमारियों का इलाज महर्षि सारंगधर ने अपनी किताब में लिखा है, या जिन बीमारियों का इलाज आचार्य माधवकर ने अपनी किताब में लिखा है, या जिन बीमारियों का इलाज आचार्य भाव प्रकाश ने अपनी किताब में लिखा है, उन बीमारियों का इलाज करने की गारंटी आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं ले सकते। लोग ठीक भी हो रहे हैं, बीमारी ठीक भी हो रही है, मरीज ये कह रहा है कि हमें ठीक हो गया, लेकिन अगर आयुर्वेद का डॉक्टर, नेचुरोपैथी का डॉक्टर पब्लिकली कह दे कि हाँ हम इसका इलाज गारंटी के साथ करते हैं, तो उसको लीगल नोटिस आ जाएगी। भारतीय चिकित्सा में बाजपन का परमानेंट इलाज है, नपुंसकता का परमानेंट इलाज है, मोटापे का परमानेंट इलाज है, इसी तरीके से डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज है, आँखों की रोशनी बढ़ाने का इलाज है, खून अगर मोटा हो जाए उसको ठीक करने का इलाज है, थायराइड का इलाज है, पागलपन का इलाज है, तुतलाने का इलाज है, मंदबुद्धि का इलाज है, हाइड्रोसील का इलाज है, ऐसे अनेकों इलाज हैं जिसमें ना ऑपरेशन कराना है ना कुछ करना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूँ। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। मैंने उसको मैं हरिद्वार गया पिताजी के लोग, पतंजलि में 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, हिम्स एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहाँ गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। पतंजलि मेरे पिता के जी का इलाज बहुत सस्ता हो गया, जहाँ 3 लाख रुपए का पूरा घुटना ट्रांसप्लांट करना था, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कुछ हज़ार रुपए में 10 दिन में ठीक हो गए। इसी तरीके से जो मेरे जानने वाले थे, जिसकी डायलिसिस चल रही थी किडनी की, किडनी बंद हो गई, नहीं तो हर हफ्ते उनको डायलिसिस कराना पड़ता था, हिम्स में गए चंडीगढ़ और डायलिसिस बंद हो गई। इसलिए इस 1954 के कानून को ख़त्म करना ज़रूरी है। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, जैसे भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय परंपरा को बर्बाद करने के लिए, वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। इसका उदाहरण है 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेहरू जी ने उस कानून को ख़त्म करके भारतीय चिकित्सा को प्रमोट करने की बजाय, भारतीय नेचुरोपैथी को प्रमोट करने की बजाय, योग प्राणायाम को प्रमोट करने की बजाय, उन्होंने कानून बना के 1954 में भारतीय चिकित्सा को सत्यानाश कर दिया, भारतीय परंपरा को सत्यानाश कर दिया। और आज की डेट में ये जो डॉक्टर कोर्स करते हैं, चाहे वो कोई सा भी कोर्स करे, केवल आयुर्वेद के डॉक्टर को छोड़ के एलोपैथ के डॉक्टरों को न तो चरक संहिता पढ़ाई जाती है, न सुश्रुत संहिता पढ़ाई जाती है, न वाग्भट जी की संहिता पढ़ाई जाती है, न महर्षि सारंगधर की संहिता पढ़ाई जाती है, न माधवकर जी की संहिता पढ़ाई जाती है, न आचार्य भाव प्रकाश की किताब पढ़ाई जाती है। ऐसे अनेकों बीमारियाँ हैं जिसमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें लंबे समय तक गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सैकड़ों बीमारियां हैं
जो सुबह शाम केवल योग प्राणायाम करने से परमानेंट ठीक हो सकती है। ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं जो केवल खाने पीने में परहेज करके ठीक हो सकती है। ऐसे सैकड़ों बीमारियां हैं जो जड़ी बूटी के जरिए ठीक हो सकती है। ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं जो जिसका चरक संहिता में परमानेंट इलाज है, सुश्रुत संहिता में परमानेंट इलाज है, पतंजलि के योग सूत्र में परमानेंट इलाज है, वाग्भट संहिता में उसका परमानेंट इलाज है, सारंगधर संहिता में उसका परमानेंट इलाज है। ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जहां वाग्भट जी ने उसका परमानेंट इलाज बताया और परमानेंट इलाज हो सकता है, लेकिन 1954 का नेहरू जी का कानून कहता है कि डॉक्टर उसको पे क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो डॉक्टर कहेंगे कि हाँ हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं तो उसको काला जादू माना जाएगा, ब्लैक मैजिक माना जाएगा। जरा सोचिए, और बड़े आश्चर्य की बात है, पूरे देश के मिशनरियां कैंसर ठीक करने का वादा करती हैं, उनको कभी लीगल नोटिस नहीं जाती। पूरे देश में मिशनरी और जिहादी कैंसर ठीक करने के नाम पे बाजपन ठीक करने का दावा करते हैं, नपुंसकता ठीक करने का दावा करते हैं, घुटना ठीक करने का दावा करते हैं, टाइफाइड ठीक करने का दावा करते हैं, केवल वो कहते नहीं तंत्र मंत्र के जरिए, उनको कभी भी लीगल नोटिस नहीं जाती। लेकिन हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर अगर वही बात कह दें, और जिनका इलाज वास्तव में है, जिसका इलाज महर्षि चरक ने बताया है, महर्षि सुश्रुत ने बताया है, महर्षि शारंगधर ने बताया है, महर्षि वाग्भट ने बताया है, आचार्य भाव प्रकाश ने बताया है, महर्षि पतंजलि ने बताया है, तो उनको लीगल नोटिस आ जाएगी। जिन बीमारियों का इलाज पतंजलि पूरे देश भर में करता है, अगर बाबा रामदेव जी उसी को खुल के कह देते हैं तो उनको लीगल नोटिस आ जाती है। जिन बीमारियों का इलाज हिम्स में पूरे देश में होता है, अगर वही बात आचार्य मनीष खुल के कह देते हैं कि हाँ इन बीमारियों का मेरे पास इलाज है, तो उनको लीगल नोटिस आ जाती है। जिन बीमारियों का इलाज नेचुरोपैथी के जरिए हो सकता है, गर्म पानी में बैठ के, ठंडे पानी में बैठ के, गर्म पानी से नहा के, ठंडे, मतलब इस तरीके से नेचुरोपैथी के जरिए, अगर वही डॉक्टर विश्वरूप चौधरी कह देते हैं तो उनको लीगल नोटिस आ जाती है। ऐसे भारत में अनेक लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेदा के जरिए, योग प्राणायाम के जरिए लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं, और जो ठीक हो रहे हैं वो भी वो एविडेंस भी है, वो कह भी रहे कि मैं ठीक हो गया। लेकिन अगर वही बात आचार्य बालकृष्ण कह दें हाँ मैं गारंटी के साथ ठीक कर सकता हूँ, या बाबा रामदेव कह दें मैं गारंटी के साथ ठीक कर सकता हूँ, आचार्य मनीष कह दें मैं गारंटी के साथ ठीक कर देता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी कह दें मैं गारंटी के साथ ठीक कर देता हूँ, तो उनको लीगल नोटिस आ रही है। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, सबसे पहले इस 1954 के कानून को ख़त्म करें जो हमारी भारतीय चिकित्सा को प्रमोट करने में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। दूसरा, मैं निवेदन करता हूँ दिल्ली में ये जो बाबर हुमायूं तुगलक गोरी गजनी के नाम पर दुनिया भर की सड़कें हैं ना, इनको ख़त्म करें। कम से कम एक महर्षि वाग्भट मार्ग, एक महर्षि चरक मार्ग, एक महर्षि सुश्रुत मार्ग, एक महर्षि पतंजलि मार्ग, एक आचार्य भाव प्रकाश मार्ग, एक महर्षि शारंगधर मार्ग, एक महर्षि माधवकर मार्ग, ऐसे हमारे जो देश के टॉप के आयुर्वेदाचार्य हुए, महर्षि हुए, जिन्होंने दुनिया भर की सारी बीमारियों का इलाज बता दिया, उनके नाम पे कम से कम देश की राजधानी में एक एक सड़क बना दें। और जो हॉस्पिटल है, चाहे ये सफदरजंग है और दुनिया भर के है, ये सफदरजंग कोई डॉक्टर तो है नहीं, फिर उसके नाम पे हॉस्पिटल रखने की क्या जरूरत है, इन महापुरुषों के नाम पे एक एक डॉक्टर, एक एक हॉस्पिटल रखते। दूसरा, ये जो आयुष्मान कार्ड है, इस आयुष्मान कार्ड को नेचुरोपैथी के लिए भी उपयोग करने दें। अभी आयुष्मान कार्ड न नेचुरोपैथी के लिए उपयोग होता है, न आयुर्वेदा के लिए उपयोग होता है, न एक्यूप्रेशर के लिए होता है, भारतीय चिकित्सा पे काम ही नहीं आता। नाम है आयुष्मान लेकिन उसमें आयुष नहीं है, वो केवल और केवल एलोपैथी के लिए उपयोग होता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ा के नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा के लिए भी उसको आगे बढ़ा दें। इसी तरीके से योग प्राणायाम के जरिए बीमारियों का इलाज हो सकता है, आयुष्मान कार्ड का उपयोग वहाँ के भी करने की इजाज़त दें। और मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्लीमेंट करें। भारत के मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में जाए, वो MBBS करे या होम्योपैथी में जाए, आयुर्वेदा में जाए, किसी में भी जाए, लेकिन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, पतंजलि का योग सूत्र, सारंगधर संहिता, माधवकर संहिता और भाव प्रकाश संहिता, इसको पढ़ना सभी डॉक्टरों के लिए अनिवार्य करें। उससे बहुत मदद भी मिलेगी और बहुत हमारी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन के हो जाएगा, बिना गोली खाए हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों का इलाज बिना इंजेक्शन के भी हो जाएगा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।